नमस्कार दोस्तों, उमास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ जो सूजी दही से बनेगा और उसके साथ नारियल मूंगफली की चटनी भी बनाऊंगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी ब्रेकफास्ट। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी नई नई रेसिपी आप लोगों को मिल जाएंगे, और इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज़। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी लिया है, 1/2 कप दूध लिया है और प्याज और हरी मिर्च लिया है। इन सबको मैं अभी मिक्सी में अच्छी तरह से नमक डाल के पीस लूँगी। देखिए सारे बैटर को मैं एक बोल में शिफ्ट कर लिया। इसमें बिल्कुल नारियल मूँगफली की चटनी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च लिए है, लहसुन की कुछ कलियाँ, यहाँ पर मैं 3 लहसुन की कलियाँ लिया है और नारियल को बारीक से छोटे छोटे करके ऐसे काट लिया है और कुछ रोस्टेड यहाँ पे बादाम लिया है। इन सबको अभी मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया है और पीसते समय मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ किया है। आप लोग जितना थिक पसंद करते हो उसी हिसाब से पानी डालना। इसमें मैंने 4 चम्मच पानी डाला था, देखिए इस हिसाब से है। अभी इसमें तड़का लगाऊँगी। ये एक तड़का पैन मैंने गैस पे रखा है, उसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। अभी तड़का की तैयारी करूँगी। देखिए मैं 1 सूखी लाल मिर्च डाल दिया, कुछ करी पत्ते, ये मेरा ड्राई करी लीव्स है। आप लोग इसमें ताज़ा यूज़ करना, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ड्राई यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा राई डाल देंगे। इसी तरह से ये तड़का जब तैयार हो जाएगा, अभी हम गैस बंद कर देंगे। स्वाद अनुसार अभी इसमें नमक मिला लेंगे। जो गरम तड़का बना के रखा था वो इसमें मिला देंगे। चटनी हमारा तैयार है। बैटर आपको ज़्यादा ठीक लगे तो इसमें 2 चम्मच पानी मिला लेना और इसमें अभी 1 चुटकी मैं खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा है उसको मिलाऊंगी। फिर मैंने एक तवा रखा है, उसमें थोड़ा सा तेल प्रेस कर दूँगी। ये बहुत ही कम तेल में बनता है। 1 चम्मच बैटर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। 1 मिनट बाद हम लोग इसको खोल के देखेंगे। देखिए देखिए पूरा पक चुका है। इसको हम लोग अपोजिट साइड में पलट देंगे, इसको हम अपोजिट साइड में और इसको फिर से 1 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए बिल्कुल पैनकेक की तरह बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप लोग इसमें अगर तेल ब्रश करना चाहे तो ऊपर से थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, बहुत ही हेल्दी है। आप लोग ज़रूर इसको बनाइए, बना के मुझे कॉमेंट कीजिए। चलिए मैं इसको उतार लूँगी और दूसरा बनाना शुरू करती हूँ। उसके बाद मैं 1 चम्मच बैटर डाल दूँगी। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको ढक देंगे। 1 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखिए, अभी इसको हम लोग अपोजिट साइड में ऐसे पलट देंगे, फिर इसको 1 मिनट ढक के होने देंगे। देखिए पूरा पैनकेक की तरह हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और दूसरा फ्राई करेंगे।